गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जीके फॉर क्लास 8. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक्स. एवरीवन टेक आउट योर बुक एंड ओपन योर चैप्टर. Chapter number 3. Today is your chapter number 3. Chapter 3. Peculiar animals means अजीबो गरीब जानवर. Peculiar animals means अजीबो गरीब जानवर. मतलब इनका नाम सुने हैं लेकिन ये बहुत अजीबो गरीब होते हैं. मतलब अजीब होते हैं ये जानवर. इनकी हरकतें, खाना पीना, हर रहना, सारी चीज़ें बहुत अजीब ढंग की होती हैं. इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. चलिए. देयर आर मैनी एनिमल्स विच हैव सर्टन पेसुलरिटीज इन देयर हैबिट और बॉडी. देयर आर मैनी एनिमल्स. ऐसे कई जानवर हैं जिनकी आदत या शरीर हैव सर्टन पेसुलरिटीज इन देयर हैबिट और बॉडी. ऐसे कई जानवर हैं जिनकी आदत या शरीर में कुछ खासियतें होती हैं. सम सच पेसुलरिटीज आर मेंशन बिलो. इस तरह की कुछ घोषणाएं नीचे उल्लेखित हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स. क्लू बॉक्स की हेल्प से मतलब इसमें फिल करना है. नीचे क्लू बॉक्स देखिए आप लोग का दिया हुआ. फर्स्ट क्या है? द डैश इज अ बर्ड दैट नेवर बिल्ड्स इट्स नेस्ट एंड लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड. द डैश इज अ बर्ड. यह एक पक्षी है दैट नेवर बिल्ड्स इट्स नेस्ट एंड लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स. यह एक पक्षी है जो अपने घोंसले का निर्माण कभी नहीं करता. यह एक पक्षी है जो अपने घोंसले का निर्माण कभी नहीं करता और अन्य पक्षियों के घोंसले में अंडे देता है. मतलब एक ऐसा ही पक्षी है जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है लेकिन जो अपने अंडे होते हैं वो अदर दूसरे पक्षियों के घोंसले में देता है. तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कुकू. कुकू CUCKOO. कुकू. नेक्स्ट है एन डैश हैज द लार्जेस्ट विंग स्पैन अमोंग द फ्लाइंग बर्ड्स. एन डैश हैज द लार्जेस्ट विंग स्पैन अमोंग द फ्लाइंग बर्ड्स. लार्जेस्ट विंग्स स्पैन अमोंग द फ्लाइंग बर्ड्स. यह डैश के बीच का सबसे बड़ा पंख है. जो ये जो जानवर है, जो ये एनिमल है, इसके बीच का सबसे बड़ा पंख है. अमोंग द फ्लाइंग बर्ड. हाँ, इसके बीच का सबसे बड़ा पंख है. ये कौन सा जानवर? ये अल्बेट्रॉस. जो अल्बेट्रॉस जानवर है इसके बीच का सबसे बड़ा पंख है. अल्बेट्रॉस ALBATROSS. अल्बेट्रॉस. नेक्स्ट है
The birds dash their feathers during extremely cold weather to keep their body warm. The birds dash their feathers during extremely cold weather to keep their body warm. द बर्ड्स, ये तो पक्षी है, अत्यंत के दौरान, मतलब पक्षी के दौरान उनके पंख ठंड का मौसम उनके शरीर को गर्म रखने के लिए करते हैं, मतलब ठंड के समय में ये जो पक्षी है इनके पंख इनको गर्म रखते हैं, ठीक है। जब ठंड पड़ती है तो ये पंख ही पंख जो इनके होते हैं, जो विंग्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, ये इनकी बॉडी को गर्म, उनकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म रखते हैं, अपनी इनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। तो ये कौन से हो गए, ये हो जाएगी फ्लफ, FLUFF, फ्लफ। नेक्स्ट है, द डैश डियर इज अ वेरी शी एनिमल विच लाइक्स टू लीड अ सोलिट्री लाइफ। द डैश डियर इज अ वेरी शी एनिमल विच लाइक्स टू लीड अ सॉलिट्री लाइफ। ये जो एनिमल है हिरण का एक बहुत ही शर्मीला जानवर है, मतलब ये जो जानवर है ये बहुत ही हिरण की तरह ही एक बहुत ही शर्मीला जानवर है जो एकांत में, विच लाइक्स टू लीड इन एज अ सॉलिट्री लाइफ, जो एकांत में जीवन जीना पसंद करता है। इट हैज़ अ ग्लैंड दैट सीक्रेट्स वैल्यूएबल लिक्विड विच इज़ यूज्ड इन परफ्यूम एंड सेवरल मेडिसिंस। It has a gland and secretes valuable liquid which is used in perfume and several medicine. इसमें एक ग्रंथि होती है जो मूल्यवान तरल को श्रावित करती है। इसमें एक ग्रंथि होती है जो तरल को श्रावित करती है जिसका उपयोग इत्र और सेवरल मेडिसिन, कई सारी दवाओं को बनाने में किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मस्क, MUSK मस्क। नेक्स्ट है, द डैश मेक्स पिक्चर लाइक नेस्ट विथ द हेल्प ऑफ मड। द डैश मेक्स पिक्चर लाइक नेट्स विथ द हेल्प ऑफ मड। घड़े की आकार की तरह घोंसला बनाता है, ये जो जानवर होता है वो कीचड़ की मदद से घड़े के आकार का घोंसला बनाता है, ठीक है। ये जो है ये एनिमल ये कीचड़ के आकार से कीचड़ की हेल्प से घड़े के आकार का घोंसला बनाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा एनिमल हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉटर वास्प, पॉटर POTTER पॉटर WASP पॉटर वास्प। नेक्स्ट है, द शेल ऑफ द एग ऑफ, द शेल ऑफ द एग ऑफ डैश इज स्ट्रॉन्ग इनफ दैट अ स्मॉल बेबी कैन ईजली सिट ओवर इट। द शेल ऑफ द एग ऑफ डैश इज स्ट्रॉन्ग इनफ दैट अ स्मॉल बेबी कैन ईजली सिट ओवर। उस छोटे से बच्चे के अंडे डैश काफ़ी मजबूत होते हैं, उस छोटे से बच्चे के अंडे बहुत मजबूत होते हैं, इनफ दैट अ स्मॉल बेबी कैन ईजली सिट ओवर, उसके ऊपर बैठ सकता है, एक छोटा सा बच्चा
मतलब क्या होता है, खोल आसानी से उसके ऊपर बैठ सकता है। एक बेबी जो होता है वो उसके ऊपर आसानी से बैठ सकता है, इतना मजबूत उसका अंडा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा इतना मजबूत होता है कि एक छोटे से बच्चे को उसके ऊपर बैठाया जा सकता है। ostrich। नेक्स्ट क्या है, द डैश इज द फास्टेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग्स। द डैश इज द फास्टेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग। कुत्तों की सबसे सरल एक ऐसी सबसे तेज नस्ल, सबसे कुत्तों की सबसे तेज नस्ल होती है ये। तो ये क्या हो जाएगा, कुत्तों की सबसे तेज नस्ल, ये आपका क्या हो जाएगा, कुत्तों की सबसे तेज नस्ल होती है, हो जाएगा ग्रेहाउंड। फिल करेंगे GREY, ग्रे HOUND, ग्रेहाउंड। नेक्स्ट है, अ डैश इज अ फिश दैट हैज नो जॉ। अ डैश इज अ फिश दैट हैज नो जॉ। ऐसी मछली जिसमें कोई जबड़ा नहीं होता है, ऐसी मछली जिसमें कोई जबड़ा नहीं होता है। तो बिना जबड़े वाली मछली को क्या कहते हैं, हैग फिश। आपके सारा क्लू बॉक्स में दिया है, HAG हैग, FISH हैग फिश। ऐसी मछली जिसमें कोई जबड़ा नहीं होता है क्या कहलाती है, वो हैग फिश। नेक्स्ट है, अ डैश कैन म्यू लाइक अ कैट एंड ऑल्सो बार्क लाइक अ डॉग। अ डैश कैन म्यू लाइक अ कैट एंड ऑल्सो बार्क लाइक अ डॉग। या बिल्ली की तरह झुक सकता है और कुत्ते की तरह भौंक सकता है, मतलब ये जो एनिमल है ये बिल्ली की तरह झुक सकता है और जो इसका साउंड है वो अपने इसके अपने साउंड को कुत्ते की तरह ये भौंक सकता है। तो ये कौन सा एनिमल होगा, ये आपका हो जाएगा मॉकिंग बर्ड। क्या हो जाएगा, मॉकिंग बर्ड, MOCKING, मॉकिंग बर्ड, BIRD, मॉकिंग बर्ड, MOCKING, मॉकिंग, BIRD, बर्ड, मॉकिंग बर्ड। नेक्स्ट है, अ डैश स्लीप्स विथ इट्स वन आई ओपन। अ डैश स्लीप्स विथ इट्स वन आई ओपन। यह अपनी एक आँख खोल के सोता है, यह अपनी एक आँख खोल के सोता है। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो हमेशा अपनी एक आँख खोल के सोती है, DOLPHIN, DOLPHIN, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्या है, सम इंसेक्ट्स सच एज टर्मिट्स हनी बी एंड आंट्स लीव टुगेदर इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज एंड दस आर कॉल्ड दैट इंसेक्ट्स कॉल्ड डैश इंसेक्ट्स। सम इंसेक्ट्स सच आर टर्मिट्स, कुछ कीड़े जैसे कि दीमक हनी बी एंड आंट्स, दीमक मधुमक्खी और चींटियां कॉलोनियों नामक बड़े समूहों में एक साथ रहती हैं। कौन से इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, टर्मिट्स मीन्स दीमक। दीमक कहाँ लगते हैं, लकड़ी में लगते हैं, दीवारों पे देखिए एक मिट्टी जैसा लंबा सा बनाते हैं वो दीमक लगते हैं। हनी भी मधुमक्खी और चींटियाँ एक मतलब ग्रुप में रहते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉलोनीज कहते हैं, एंड दस आर कॉल्ड डैश इंसेक्ट्स। और उस कीड़े को क्या कहते हैं हम लोग जो इसमें रहते हैं, जिसे कीड़े डैश कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो हो जाएगा सोशल।
कॉल्ड सोशल, SOCIAL, सोशल। नेक्स्ट है, अ डैश हैज ईयर्स ऑन इट्स फ्रंट लेग्स। अ डैश हैज ईयर्स ऑन इट्स फ्रंट लेग्स। इसके अग्र पैरों पर कान होते हैं। ये जो एनिमल होता है इसके आगे पैर पे इसके कान होते हैं, तो ये कौन सा एनिमल हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अ डैश स्टैंड्स ऑन इट्स वन लेग टू गिव रेस्ट टू द अदर। A dash stands on its one leg to give rest to the other. आराम करने के लिए अपने एक पैर पर खड़ा रहता है, मतलब ये होता है रेस्ट करने के लिए, मतलब ये आराम करने के, जो एनिमल है आराम करने के लिए अपने एक पैर पे खड़ा रह सकता है, तो ये कौन सा एनिमल हो गया? ये आपका हो गया फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो जो है बर्ड है, ये फ्लेमिंगो ये अपने एक पैर पे खड़ी रह सकती है। FLAMINGO, फ्लेमिंगो, FLAMINGO, फ्लेमिंगो। नेक्स्ट है, अ डैश हैज अ स्टिकी टंग विच अ जॉइंट ऑन द फ्रंट साइड ऑफ फ्री फ्रॉम बिहाइंड। A dash has a sticky tongue which is joined on the front side on tree from behind. एक चिपचिपी, इसकी जो जीभ होती है बहुत चिपचिपी होती है, जिस पर शामिल हो जाता है, ठीक है, चिपचिपी क्या होता है ये, जॉइंट ऑन द फ्रंट साइड एंड फ्री फ्रॉम बिहाइंड, पीछे की तरफ से एकदम फ्री होता है और फ्रंट से क्या होता है वो जॉइंट होता है। इसकी जो जीभ होती है बहुत चिपचिपी होती है, आगे से क्या होता है, फ्रंट साइड एंड फ्री फ्रॉम, जॉइंट ऑन द फ्रंट साइड, आगे से जुड़ी होती है एंड फ्री फ्रॉम बिहाइंड, और पीछे से जुड़ी नहीं होती है, मतलब एकदम फ्री होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रॉग। क्या हो जाएगा? फ्रॉग। यहाँ क्या लिखेंगे? FROG, फ्रॉग, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप सब लोग ने कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। इसी के साथ साथ आपकी क्लास भी यहीं ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।